everyone and welcome back to my YouTube channel that blushy girl is here. So in today's video I'm going to share you a affordable bridal kit. आप bridal भी बोल सकते हो या फिर आपको अगर need है शादी के लिए या festive season के लिए तो उसमें भी आपको ये चल जाएगा ये kit. And yeah, this is the items I have in my hand. Like बहुत सारे products हैं and मैंने ना दो category रखी है इसमें. दो option आपके पास दूंगी, आप दोनों में से कोई भी आप use कर सकते हो. Like दोनों ही बहुत perfect. जो पहला वाला है वो होने वाला है अंडर 499 ओनली. दूसरा वाला है ट्रिपल लाइन के अंडर विदाउट वेस्टिंग एनी लिटिल लाइनिंग सेकंड. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. दिस ब्लू हेवन का प्राइमर, क्योंकि मैं यहाँ पे स्किन केयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मेकअप किट, मेकअप के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं प्राइमर. तो ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल प्राइमर है, एक जेल प्राइमर. लाइक अमेजिंग फिनिश है इसका. इसका जो जेल टेक्स्चर है ना, आई जस्ट लव दिस सो मच. आपकी जो पोर्स है ना वो ईजिली इसको हाइट कर देगा एंड बहुत ही ज़्यादा आपका जो टेक्स्चर है ना वो स्मूथ कर देगा. सेकंड कैटेगरी में आता है मेरा ये कलर बाव का प्राइमर. दिस इज आल्सो इन जेल टेक्स्चर एंड मोस्ट ऑफ लाइक ऑयली स्किन है सो इसलिए मैं जेल वाली ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है आप फिर अप्लाइंग दिस प्राइमर. हमें यूज़ करना चाहिए फाउंडेशन से पहले, ताकि आपके फाउंडेशन को एकदम एक स्मूथ कैनवस मिल जाए. क्योंकि जो यहाँ वाली जो एरिया रहती है ना, आप देख सकते हो वहाँ पे पोर्स रहते हैं हमारे, टाइनी टाइनी रहता है यहाँ पे. तो उस चीज़ को वो थोड़ा सा हाइड कर दे, मतलब पूरा हाइड नहीं कर सकते हैं, बट ये जो उसका टेक्स्चर है ना वो स्मूथ कर देगा. आप देख सकते हो, आप मेरे में नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने यही वाला प्राइमर यूज़ किया है, तो इसलिए मुझे में नहीं दिख रहा है. बट मेकअप निकालने के बाद यू विल सी विजिबली. सो द नेक्स्ट इज, पहले हम फेस मेकअप से स्टार्ट करने वाले हैं. फेस मेकअप के लिए मेरे पास है ये दो कंसीलर. पहला जो है 499 में आपको ये अनस्पीज बी का कंसीलर मिल जाएगा. सेकंड दिस इज कैनाडा का कंसीलर इन रुपीज़ 499 ओनली. ये भी है इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं खुद प्रेफर नहीं करती हूँ इसका. आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है एंड इज ईजी टू ब्लेंड एंड यू कवर योर डार्क सर्कल्स, एक्ने मार्क्स. जस्ट लव दिस प्रोडक्ट सो मच. मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट. एंड स्वीस ब्यूटी वाला कंसीलर किसको नहीं पता, लाइक एवरी वन जस्ट नो हाउ स्वीस ब्यूटी वाला कंसीलर वर्क. लाइक अमेजिंग क्वालिटी का, इट्स अमेजिंग एंड इट्स ब्लेंड्स लाइक वेरी फास्ट. और काफ़ी डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं इसके वेबसाइट पे एंड अमेजोन, फ्लिपकार्ट. एनी विल गिव ऑल द प्रोडक्ट लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन. तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, जल्दी से जाकर वहीं से बाई कर लेना ईजिली. नेक्स्ट इज हम बात करते हैं, दिस इज़ द डेली यूज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है एंड एज फॉर लाइक ब्राइडल के लिए भी अच्छा प्रोडक्ट है. फाउंडेशन विथ मी, दिस इज द NY बे फाउंडेशन सीरम ड्यू ड्रॉप. सेकेंड ऑप्शन इज दिस ब्लू हेवन फाउंडेशन. दिस हैज़ अमेजिंग क्वालिटी एंड विच आई लव द मोस्ट, कि बहुत अच्छा आपको पेस प्रोवाइड कर देता है एंड बहुत ही ईजिली आपको ब्लेंड कर देगा ये फाउंडेशन. जैसे ये लाइट वेटेड फाउंडेशन है एंड इट्स हैव SPF 25 PA++. आई जस्ट लव दिस मैट फिनिश आता है आपके फेस पे, गिव यू अ मैट फिनिश. हम हमेशा तो फाउंडेशन ही नहीं लगाएंगे ना अपने बेस के लिए, हम लगा सकते हैं बेबी क्रीम. लाइट वेटेड फार्मूला है इसका, वेरी नाइस कवरेज एंड इट हैज़ विटामिन सी, लाइक SPF 24 यूवी रे से प्रोटेक्ट भी करेगा आपको. ये लाइक डेली यूज़ के लिए बेस्ट है. और हल्दी के लिए बहुत अच्छा है ये बीबी क्रीम. आई जस्ट लव क्योंकि मैं इसके ब्लू हेवन का ड्यूअल स्टिक कंटूर ऑलमोस्ट मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ एंड इट हैज़ अ हाइलाइटर टू. बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, बटरी इफेक्ट है इसका विथ एवोकाडो ऑयल एंड मैंगो बटर. एक ही स्टिक में आपको कंटूर हाइलाइटर दोनों मिल जा रहा है, तो आप सोच ही सकते हो कि आपको एक ही प्रोडक्ट में आपका दो काम कर दिया. नेक्स्ट दिस इज द इनसाइट कॉस्मेटिक कलर करेक्टर पैलेट. इट हैज़ 6 डिफरेंट कलर करेक्शन. इसमें आपका पिंपल, एक्ने, रेडनेस, डार्क सर्कल्स एंड दो कंटूर के शेड आपको अवेलेबल है एंड इट्स वर्क लाइक अमेजिंग. इतना अच्छा बटरी फिनिश है, इसका मक्खन की तरह ब्लेंड हो जाता है एंड इट्स विल रियली हाइड योर ऑल द इन करेक्शन इन योर फेस, जो आपको लाइक इनसिक्योर करवाता है आपके फेस. विल लाइक पूरा नहीं बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं आई विल नॉट लाइक, जो मेरा एक्सपीरियंस है पूरा, कोई भी प्रोडक्ट आपको एकदम से ना आपका फेस एकदम बदल नहीं सकता, आपका टेक्सचर नहीं बदल सकता है. थोड़ा बहुत तो रहता है बट थोड़ा बहुत ये भी कर देते हैं, कभी आपका फेस डिफरेंट दिखता है एंड मेकअप से डिफरेंट दिखेगा. पूरा आपका फेस कोई नहीं बदल सकता,
उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी है. द नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट अपने वैनिटी में रखना इज मस्ट, क्योंकि हमेशा टचअप के लिए एक कॉम्पैक्ट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड दिस कॉम्पैक्ट हैज़ अटैच मिरर, तो दिस हेल्प सो मच, लाइक इंस्टेंटली आप टचअप कर सकते. कुशन ऑल्सो टू टचअप इन एनी वेयर फॉर बेकिंग योर फेस, क्योंकि बेकिंग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर फेस पूरा कवर अप कर लो, उसके बाद अपने फेस को बेक करो विद द हेल्प ऑफ लूज पाउडर. दिस इज अ बनाना पाउडर, आई लव दिस पाउडर सो मच. ऑलमोस्ट ये एंड होने वाला है. दिस बोथ आर अंडर 499 ओनली. 999 वाले जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही कम है इस किट में, और जो 499 वाला प्रोडक्ट है वो बहुत सारे हैं. मतलब ये पूरा ही जो किट है ना बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है गाइस. नेक्स्ट है ये ब्लशर, जो है बेला वीटा का ब्लशर नहीं, ये लिप एंड चिकन टिंट. शेड पोमेग्रेनेट के शेड में है. बहुत सारे डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं इसके. ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा वर्क करता है अनटिल अनलेस यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, क्योंकि अगर आप ऐसे ही यूज़ करोगे ना ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई है. आप वॉइस सुन सकते हो ये कितनी ज़्यादा ड्राई है. बिल्कुल भी क्रीमी फार्मूला नहीं है इसकी, बहुत हार्ड फार्मूला है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट थोड़ा सा मॉइस्चराइजर या फाउंडेशन लो एंड देन जस्ट रब एंड देन यू विल सी इसका पिगमेंटेशन. बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है, बहुत अच्छा ब्लश है एंड इट विल स्टे फॉर लास्ट 10 to 9 hours. वेरी ऑर्गेनिक न्यू एज आयुर्वेदिक वाला है और डर्मोलॉजिस्ट टेस्टेड भी है, तो इट्स वेरी सेफ टू योर फेस सिर्फ एज अ ब्लश. मैंने बहुत सारे वीडियोस में वैसे ही करके यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर ब्लश के ऑप्शंस नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं वैसे ही यूज़ करती हूँ. एंड आई शेडो भी यूज़ करती जाती हूँ कभी कभी. मैं वाइल ट्रैवलिंग हम बहुत सारे प्रोडक्ट अपने साथ कैरी नहीं कर पाते हैं, तो लिपस्टिक का ही हम 3 यूज़ कर सकते हैं. मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट एंड दिस इज अंडर रुपीज 499 ओनली. इसमें आपको ब्लश मिल जाएगा, कंटूर मिल जाएगा एंड हाईलाइटर भी मिल जाएगा. तीनों चीज़ एक ही पैलेट में मिल जाएगा एंड अंडर रुपीज 499 ओनली. ऐसा टाइप का शुगर में है, तो वो 999 पे पड़ जाएगा आपको, लाइक 999 के अंडर. एंड बट ये 499 में ही हो गया है स्विस ब्यूटी का. इसमें सारे प्रोडक्ट्स ही मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है आपके फेस पे, बहुत अच्छा दिखने वाला है. तो दिस इज़ अ मस्ट बाय प्रोडक्ट. समर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आफ्टर क्रीम प्रोडक्ट हमें एक पाउडर या कॉम्पैक्ट वाली प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि आपको मेकअप स्टे करवाना है ज़्यादा देर तक. तो दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज़ लाइक द जेम फॉर ऑल ऑफ अस जो बहुत ही ज़्यादा क्रेज है मेकअप के लिए एंड ब्राइड टू बी फेस्टिवल एंड एवरीवेयर, क्योंकि आपको अलग से जाके कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करना पड़ेगा. एक सिंगल पैलेट में आपको तीनों चीज़ मिल जाएंगी, तो व्हाट एल्स यू वांट गाइस. ओके, अब हम बात करेंगे आई मेकअप के बारे में. ओके, फॉर आई मेकअप आई हैव लाइक दिस 3 कलर पैलेट. दिस वन इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन, लाइक इट्स हैव लाइक 4 डिफरेंट शेड्स, लाइक न्यूड आई लुक अप क्रिएट करना है या थोड़े से शिमरी है, इसमें शिमरी आई शेडो है एंड मॉवी पिंक वाली आई शेडो है, जिससे आपका लुक काफ़ी अच्छा आएगा. लाइक जो भी ट्रेंड में चल रहा है नो मेकअप लुक के लिए बहुत अच्छा ये आई शेडो पैलेट है 499 में. नेक्स्ट इज दिस माई ग्लैम का पैलेट, पार्टी पैलेट. इसमें बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं जो ब्राइट टू बी एंड फेस्टिव सीजन एंड एवरी वन लाइक यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए काफ़ी अच्छा पैलेट है, रुपीज़ 499 ओनली. नेक्स्ट इज दिस ग्लिटर पैलेट बाई 7Cs. काफ़ी अच्छा ग्लिटर पैलेट है, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है एंड यूज़ भी किया है मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में. काफ़ी अच्छा ग्लिटर पैलेट है, इसमें 12 डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं आपको एंड सारे ही कलर्स यूजफुल हैं आपके ब्राइट टू बी एंड फेस्टिव सीजन एंड एवरीवेयर. माई फेवरेट लाइक दिस इज स्वीट बेरी आई शैडो पैलेट. इसमें 54 डिफरेंट शेड्स हैं, 54 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं. जो भी कोई आउटफिट पहनो उसमें सब पे मैच कर जाएगा. ऐसा कलर आई शेडो पैलेट होना ही चाहिए सबके वैनिटीज में. इट विल वेरी यूजफुल टू अस, ठीक है, मैचिंग करना है अगर आपको तो ऐसा कलरफुल आई शेडो पैलेट लेना वेरी हेल्पफुल. दिस इज अंडर 999 ओनली एंड दिस हैज़ लाइक अमेजिंग क्वालिटी एंड पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है. तो नेक्स्ट आई हैव 2 डिफरेंट आईब्रो पेंसिल. दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन. दिस इज़ इन द शेड डार्क ब्राउन, इन द शेड ब्लैक. मेरे लिए दोनों ही काफ़ी अच्छा वर्क कर जाता है एंड आई जस्ट लव देयर ब्रश, हाउ पिगमेंटेड दे आर एंड दे आर लाइक सुपर अफोर्डेबल इन प्राइस, अंडर 99 ओनली. नेक्स्ट आई हैव आईलाइनर. आईलाइनर में आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस गाइस, बट आई विल सजेस्ट यू लाइक ओनली 2 ऑफ देम. लाइक दिस इज द ब्रांड फ्रॉम ब्लू हेवन एंड दिस इज फ्रॉम लैक्मी. जस्ट लव हाउ दे आर जेल टेक्सचर एंड इट्स ड्राई इंस्टेंटली, गिव यू अ वेरी मैटिफाई फिनिश इन योर आईज. एंड और एक आईलाइनर मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको, लाइक पर्सनली फेवरेट मेरा हो चुका है. तो लाइक ये तो जेल लाइनर के बारे में, स्केच लाइनर के बारे में बता रही हूँ.
ये है फ्रॉम मार्स, काफ़ी अच्छा स्केच लाइनर है, मैंने बहुत सारे स्केच लाइनर यूज़ किए हैं, बट दिस इज़ लाइक हेवनली ब्यूटिफुल, सच में बहुत अच्छा वर्क करता है। इट इज़ ईजी टू मेक विंग लाइन और बहुत अच्छा दिया है इसके ब्रश की टिप एंड जस्ट। अगर आपको ब्लू लाइनर चाहिए तो ये 36H का बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। मस्करा में आई हैव थ्री ऑप्शंस, लाइक माय फेवरेट इज दिस, दिस इज मेबेलिन, एवरीवन नो मेबेलिन कलोसल मस्करा इज लाइक अमेजिंग, बहुत अच्छा लिफ्ट करता है आपके नेचुरल लैशेस को, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देता है। एंड नेक्स्ट इज ब्लू हेवन, आई रियली सरप्राइज कि ये इतना अच्छा वर्क कैसे कर गया, एज लाइक अकॉर्डिंग टू प्राइस इज नॉट सो रीजनेबल टू वर्क लाइक दैट मच, बट बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा वर्क कर जाता है एंड इट स्टे फॉर अ वेरी गुड आवर, लाइक वेरी गुड अमाउंट ऑफ आवर। दिस इज अंडर 999, सो दिस इज मेबेलिन स्काई हाई मस्कारा, इतना हाइप में था इसलिए मैंने इसको परचेज किया। एंड या दिस गिव अ रियली डिसेंट वॉल्यूम टू योर आईज, पूरा बीडी का मस्करा है ना उसका ये ट्यूब आप कह सकते हो, का दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर इफेक्ट देते हैं आपके नेचुरल लैशेस को। काजल के लिए आई हैव लाइक ब्लू हेवन का काजल बहुत अच्छा है एंड प्लस मेबेलिन का काजल बहुत अच्छा वर्क कर, एंड ये पेंसिल वाले ब्लू हेवन के कलरफुल काजल्स हैं मेरे पास जो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। चलो अब बात करते हैं लिपस्टिक लिप शेड के बारे में। ओके, तो लिप शेड के लिए बहुत ही सारा लिपस्टिक है मेरे पास, लाइक लिप लाइनर आई हैव दिस मरून शेड, लाइक मेरे को तो सारे में ही मैं मरून शेड ही लिप लाइन कर लेती हूँ, इट्स विल लाइक अमेजिंग सच में मैं बोलूँ तो, लाइक एक ही शेड है मेरे पास और वो भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है, लाइक सब में ही चल जाता है, अच्छा लगता है मेरे लिए। जैसे बुलेट लिपस्टिक में आई हैव दिस टू ब्यूटिफुल डिवाइन शेड्स, दिस इज इन द शेड मरून, लाइक इट्स डेट नाम है इसका, नायका से मैंने इसको परचेज किया, काफ़ी अच्छा मरून काइंड ऑफ शेड है इसका एंड जस्ट लव। दिस इज अंडर ₹499 ओनली एंड दिस इज़ फ्रॉम के ब्यूटी इन द शेड क्लाइमेक्स, काफ़ी अच्छा शेड है इसका, डिसेंट क्रीमी टेक्सचर है आपके लिप में, जब लगेगा ना मस्त सा दिखेगा। लाइक ये मेरे पास दो लिपस्टिक हैं, बुलेट लिपस्टिक जो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है एंड काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड इट विल स्टे लाइक 12 आवर्स। नेक्स्ट हम लिक्विड लिपस्टिक की बात करते हैं, जो मैंने यूज़ किया है एंड जो पर्सनली ऐसे जो मुझे पसंद है, तो मैंने दो कॉम्बो परचेस किया था, एक था लव एथ के लिपस्टिक्स और एक था मेरे पास ब्लू हेवन की लिपस्टिक, दोनों ही अंडर ₹999 के था एंड दे वर्क अमेजिंग। एंड लिपस्टिक में ना आपको वैरायटी चाहिए, सारे कलर्स चाहिए, एक कलर से हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कॉम्बो में ही लेती हूँ एंड बहुत सारे लिपस्टिक के शेड भी मिल जाएंगे मुझे एक ही कॉम्बो में, इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कॉम्बो में ही लो, उससे क्या होता है ना आपके पास एक नहीं 4-5 लिपस्टिक ये शेड्स हो जाएंगे। एंड सो या दैट्स फॉर टुडेज वीडियो, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, यहाँ तो मैंने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे साथ न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ये रहा मेरा ब्राइडल किट, लाइक अफोर्डेबल ब्राइडल किट जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, कोई भी तरह की अगर इंक्वायरी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव ऑल द आंसर वो जो भी इंक्वायरी होगा एंड मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में टेल देम सी हैप्पी।